हैवीवेट बॉक्सिंग का एक मैच था जिसमें एक तरफ माइक टाइसन था और दूसरी तरफ डगलस टाइसन, जो कभी कोई मैच हारा नहीं था और अपने प्रतिद्वंदी को एक या दो राउंड में ही नॉकआउट कर हरा देता था, और डगलस जो कुछ मैच जीता था और कुछ मैच हारा भी था। सभी ये मानकर बैठे थे कि डगलस टाइसन के सामने दो राउंड भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ लेकिन टाइसन की पूरी कोशिश के बावजूद डगलस उस दिन हार मानने को तैयार नहीं था। वो हर बार जब भी गिरता वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होकर फिर से लड़ने लगता। उसे उस दिन मरना मंजूर था लेकिन हारना मंजूर नहीं था, और मैच के 10वें राउंड में डगलस ने बाजी पलट दी। वो टाइसन को हराने वाला विश्व का पहला बॉक्सर बन गया। उनसे पूछने पर कि ये मैच उनके लिए डू और डाई क्यों बन गया था, तब डगलस ने बताया कि ये मैच उन्हें 23 दिन पहले मरी अपनी माँ के लिए जीतना था, जिसने सभी से कह दिया था कि देखना ये मैच मेरा बेटा ही जीतेगा, और ये मैच एक बेटा खेल रहा था जो अपनी मरी हुई माँ के विश्वास को हारने नहीं दे सकता था।